बाद के सनसेट टू थ्री मैच पार्टी वो आगे आ गई है फाइट में। एफएल ज़ूम की फाइट होती है, डायनो यहां पे नॉक तो किए गए। क्या लगता है कि यहां पे क्या होगा? स्लग की जो पोजीशनिंग थी वो बिल्कुल भी रिवील नहीं थी वहां पर। दो प्लेयर्स अभी भी सरवाइव करेंगे, वहां पर डैमेज काफी ज्यादा दिया गया और अब यहां पर मैं कहूंगा पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएंगे। रिलोड करने की कोशिश थी, स्लग मौजूद थे वहां पर, चतुर और चालाक नॉक करा और अब एक 1v2 का सिनेरियो हमें कन्वर्ट होता नजर आएगा। स्लग अकेले यहां पर लड़ रहे हैं, इनके जो पार्टनर है वो कहां है, रिइंफोर्समेंट कहां है, चलिए वो नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। एक और प्लेयर को नॉक करा, एंड इसका एलिमिनेशन जरूर से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सनसेट के स्लग क्या बढ़िया रिफ्लेक्स, तीन खिलाड़ी ऑलरेडी फिनिश करके जा चुके हैं, एक 1v4 का क्लच, कैन ही डू इट। आखिरी खिलाड़ी आगे की तरफ आएगा, जरूर से ड्रॉप शॉट उन्होंने लिया वहां पर है, पर तीन फिनिशर्स निकाले, गन स्विच करेंगे, रिलोडेड जो वेपन है वो है नहीं और अब एक 1v1 जीतना पड़ेगा। यहां पे मैं कहूंगा हेल्थ किट्स भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है स्लग के पास कि वो खुद को हील करे, बैंडेजेस हैं, आगे जाएंगे, जोन का डैमेज भी पड़ा है। 1v1 एसी के साथ स्लग सनसेट के आज का पहला 1v4 करके तो जरूर वो हमें देखने को मिलते हुए INV का, जहां पर एक खिलाड़ी को स्पॉट करके डाउन किया गया, ट्रेड में वहां पर जो नॉक्स है वो भी हमें देखने को मिलते हुए। ये ग्रेनेड काफी ज्यादा कारगर हो सकता है, लेट्स सी कनेक्शन बनाएगा नहीं अभी के लिए, वो कनेक्शन आएगा नहीं। बट मिड जोन की बात करें, लेफ्ट साइड से भी एक प्लेयर आते हुए हमें नजर आएंगे और पीछे से भी प्लेयर जो वो नजर आते हुए और अब यहां पर मात्र दो खिलाड़ी सामने, दो टीम्स, तीन टीमें, जो हमने बात बोली कि MC को प्रॉब्लम होगी, हर तरफ से प्लेयर्स आएंगे, टीमें आ रही हैं, ब्लैक भी आ गई, ब्लैक यहां पे प्रॉब्लम, जैक ऊपर आएंगे, लेट ग्रैब कैसे, सामने एक अच्छा ड्रॉप शॉट ऋषि के द्वारा विद दैट यूसी डाउन करेंगे वो फिलहाल के लिए अपने अपोनेंट को। बट अभी भी MC प्रॉब्लम है, ट्रेड यहां पे बचे हुए, ऋषि काफी ज्यादा कम HP पे, एक सुपर नेड गया, बट क्या उस नेड का कमाल हमें देखने को मिला या नहीं मिला, कुछ जो दो प्लेयर थे ऊपर वो खत्म हो गए, कन्वर्ट हो चुकी है फाइट। देखते क्या MT अभी भी होल्ड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर स्पॉट को, क्योंकि अगर हम बात करें वहीं पर इनविक्टस की, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको वो कंपाउंड चाहिए, उनको पता है कि अगर कंपाउंड उनको मिलेगा तो उनका ये गेम हो सकता है। बट ब्लास्टिक्स की बात करें, वो आगे की तरफ आएंगे, मौके पे मारा चौका। वही बात करें MG की, वो भी सर्वाइव करते, यहाँ पे थर्ड पार्टी फिनिशर जरूर से निकाल सकते हैं, माफिया उनको डाउन किया जाएगा MG के लिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब आगे आएंगे टीम MG, चलिए एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे, आखिरी खिलाड़ी बचेंगे टीम MG से। बट बैलिस्टिक्स की बात करें, वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेट्स सी और कितने फिनिशर निकाल पाएंगे। लेकिन एक बढ़िया प्लेयर जरूर आएगा वहां पर, दोनों के प्लेयर्स की जो गन है वो रिलोड पर जाएगी, प्रोन डाउन होंगे, एक प्लेयर को डाउन करेंगे बैलिस्टिक्स। वेल दे विल बी टेकिंग बोथ द टीम्स डाउन, दे आर स्टिल सर्वाइविंग। वही अगर हम बात करें टीम के, आखिरी खिलाड़ी बचे थे वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, टॉप थ्री में लाए अपनी टीम को। नाउ इट्स अ 1v2v1, वहां पर अगर रिवाइवल मिल जाएगा तो इट विल बी अ 1v2v1 और एल्स इट विल बी अ 1v1v1। टीम बैलिस्टिक्स विद 17 फिनिशेस ऑलरेडी, मुझे लगता है क्या 19 होगा। काउबॉय यहां पे यूहो तो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि अपने टीम को यहां पे टॉप थ्री में वो लेकर आ गए, फिनिशेस ज्यादा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। बट क्या काउबॉय को पता था कि उस प्लेयर अब जो आपका वॉल उसके पीछे एक प्लेयर डाउन है, चलिए कम से कम सूर्या को डाउन करते करते वो गए 2v1। MC के ऋषि ने फिनिश फीड को रीड किया, यस वो किया, वो मूवमेंट कर रहे हैं बट वो प्रोन डाउन हो गए, एंड ही इज गोना टेक द चांसेस, दिस इज द टाइम ऋषि, गो स्ट्राइक्स बैलिस्टिक्स, अदरवाइज ये गेम आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि एक बार रिवाइवल आया जो आ चुका है, मुश्किल है, नेड आप खींच ले बट इस नेड का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरफ इनका क्रॉस एयर है प्लेयर वहां मौजूद नहीं है। बैलिस्टिक्स के आज के दिन पे पहले मैच में विथ 19 फिनिशेस क्या चिकन लेके जाएगी आंकी, एक कमाल का परफॉर्मेंस हमें इस टीम के द्वारा देखने को मिला। इतना तो पक्का हो गया कि इस मैच के दम पे फेज 2 से फेज 3 का जो रास्ता है वो बैलिस्टिक्स ने आसानी से तय कर लेना है। बिल्कुल, यहां पर अभी के लिए जो अगले मैचेस है वो देखने पड़ेंगे कि कैसे जाते हैं उनके लिए। बट मिड जोन के अगर ऋषि की बात करें, 1v2 जरूर से रहने वाला है और दोनों खिलाड़ी उनके लिए ओपन में आ सकता है अगर वो आगे की तरफ जाएंगे तो। चलिए उन्होंने जो ग्रेनेड है पुल ऑफ जरूर से किया, उसी के साथ उनकी जो पोजीशन है वो भी रिवील जाएगा जरूर से, क्या कनेक्शन बनेगा, डैमेज जो है वो जरूर से मिलेगा थोड़ा बहुत स्प्लैश का, बट जो प्लेयर है वो अंदर की तरफ आएंगे जरूर से। अभी भी वो जो 1v2 का सिचुएशन है वो हमें बरकरार देखने को मिलता है, खिलाड़ी आएंगे उनको डैमेज दिया जाएगा बट सामने से बढ़िया डैमेज जाएगा, चलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे टीम बैलेंस स्टिक्स, they'll be taking it home, एक बेहतरीन विनर चिकन। मैं जरूर कहूंगा कि यहां पे व्यतीत कर चुके हैं दोनों टीम, बट दूसरे साइड पे सिंस 8 वर्सेस जंगली की जो फाइट है वो चलती है और मुझे लगता है एक और ग्रेनेड और पूरी जंगली की स्क्वाड यहां पे खत्म हो सकती है। बट हर्ष बहुत ज्यादा देर तक वो ग्रेनेड वहां पे कुक करते रह गए, मौका भी नहीं मिला कि वो ग्रेनेड को अनकुक करे, वापस उसको छोड़ दे और अपनी टीम के लिए फाइट निकाले। बट ये गलती
जंगली की स्क्वाड किस तरीके से कर सकती है अपने दो प्लेयर को यहाँ पे गंवाते हुए दिखाई वो दे सकते हैं। एक प्लेयर नॉक है, एक प्लेयर फिनिश हो चुका है, बट एक बढ़िया मौली गॉडेक्स यहाँ पे डाउन होंगे। गोकू की बात करें पूरी तरीके से फिनिश होंगे, बट सेंसेट अभी भी उनके तीन प्लेयर कैसे भी करके सर्वाइव करते हुए बिल्कुल अभी के लिए एक 2v3 में कन्वर्ट हो सकती है फाइट, बट उसी की तरह अगर बात करें सेंसेट की वहां पर वो अपना जो रिवाइवल वो जरूर से एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। सो नाउ इट्स द 3v3 एंड लेट्स सी यहां पर क्या होता है। हस्की आगे की तरफ गए जरूर से, कुछ बुलेट का स्प्रे वहां पर आएगा, डैमेज दिया, बट अभी भी वो जो नॉक है वो आएगा नहीं। एडीएस कोला बट स्टिल वो जो नॉक है उसकी अभी भी तलाश रहने वाली है। यहां पर एक ओपनिंग जरूर से निकालनी पड़ेगी टीम जंगली को या फिर टीम सेंसेट को, देखते हैं कि वो कौन सी टीम रहने वाली है। अभी के लिए आगे की तरफ आएंगे वो जरूर से, वो ग्लिच ग्रैब का उन्होंने साथ दिया, बट दो खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आएंगे। आखिरी खिलाड़ी इजीली उनको वाइप करा जाएगा। टीम जंगली ऑफिशियल फाइनली वो जिस अवतार में हम उनको जानते हैं उसी अवतार में आते हुए नजर आएंगे। सेंसेट पहली टीम बनेगी जो इस लॉबी को छोड़ेगी। टीम जंगली अपना एक खिलाड़ी खोया जरूर, बट मेरे ख्याल से उसे एक खिलाड़ी को भी बचाया जा सकता है। बात करें वो अब थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे जरूर से। टीम एंडलेस के खिलाड़ी भी लेकर के आगे आए, माफिया उनको स्पॉट किया गया, डाउन किया दिया, और अब यहां पर जो टू वर्ल्ड स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी उनकी जो पोजीशन है वो भी पूरी तरीके से रिवील्ड है। टीम केरला की बात करें चारों प्लेयर्स के साथ वो सर्वाइव करेंगे। नाउ इट्स अ 1v3v4 जहां पर जोन का श्रिंक है वो अब आना स्टार्ट हो चुका है। पीछे से जोन का प्रेशर, आगे टीम केरला तैयार टीम एंडलेस के लिए। किलवाईसी के साथ पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एक बढ़िया मौली आता हुआ अशोक, काफी ज्यादा ओपन में पीक करने की कोशिश कर रहे थे काउबॉय, पनिश उन्होंने किया जरूर था, बट खुद पे भी वो डैमेज ले बैठे। अशोक की बात करें नीचे गिरे जरूर है, बट अपनी हेल्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा लूज कर गए। रोसो की बात करें वहां पे डाउन हो गए, रोहो जो थे वो वहां पे डाउन हो गए। लास्ट दो प्लेयर बचेंगे इस वक्त एंडलेस से। गजनी की बात करें मुश्किलें उनके लिए काफी ज्यादा हो सकती है। लास्ट प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। टीम केरला जो पिछले मैच में चूक गए थे विनर चिकन डिनर, इस मैच में और बढ़िया करने की, बट वहीं पे बात करें फेसलेस की, एक प्लेयर उनका डाउन है, आर्यन को डाउन किया गया है, बट वन नेशन के अभी भी तीनों प्लेयर यहां पे आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। टूवर्ड्स काफी ज्यादा दूर दिखाई दे जरूर रहे हैं, देखना है कि क्या उनका आगमन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। चलिए एक और प्लेयर डाउन किया गया और इसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली फेसलेस उनके लिए भी दिक्कतें काफी ज्यादा होने वाली है। प्लेयर वहां से जंप करके निकल गया, डैमेज दिया जरूर गया था बट नॉक नहीं कर पाए। लास्ट दो प्लेयर फेसलेस के इस वक्त सरवाइव करते हैं। लगता है मुश्किल है 3v2 का सिचुएशन। एक अच्छा नेट सौरभ का, बड़वा से डाइनो ऑलरेडी निकल गए। चले एक कुक नेट बस उन्होंने फेंक दिया, कैंसिल नहीं किया, मुश्किलें हो जाती हैं। एक एक नेट की कीमत आप क्या जाने सौरभ बाबू, बट देखते हैं। बट फिलहाल के सौरभ नहीं देखा जा रहे, ओ मुझे लगा उन्होंने देख लिया था बट नहीं देखा। इस चीज का फायदा उठाया सामने से डायनो ने। यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन है बिटवीन वन एंड टीम फेसलेस। फेसलेस के प्लेयर डायनो जहां पे लेटे ऑलरेडी, उनकी पोजिशनिंग पता थी सामने, एंड इट्स अ 1v2 सिचुएशन जहां पे एक प्लेयर मैं देख सकता हूं अभी भी टीपीपी ले रहा था। क्या नाम था उनका, तत्काल कटली कातिल, ओके कातिल है उनका नाम। बट फिलहाल के लिए अगर बात करें कैम ब्रावो आईएसओ वर्सेस आईएनवी, यहां पे आईएसओ के दो दो प्लेयर नॉक है, आईएनवी के माफिया डाउन पड़े हुए, बट इट्स अ 2v3 सिचुएशन आई थिंक, जहां पे दोनों टीमें मुश्किलों में अमेजिंग जी। बिल्कुल देखना ये कि आईएसओ जिनका पिछला मैच बढ़िया नहीं गया था, आईएनवी उनका भी पिछला मैच बढ़िया नहीं गया था, दोनों टीम को चाहिए कि ये वाला मैच उनके लिए बढ़िया जाए, अदरवाइज इसके बाद बात केवल दो ही मैचेस बचने वाले। एक बढ़िया ग्रेनेड अंदर के साइड पे गया जरूर था, बट चलिए कोने में आपको वो दिखाई देंगे। बट दूसरे तरफ शटर कोशिश कर रहे प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट करने की, शायद अब स्पॉट कर बैठे होंगे, फुटस्टेप सुनाई दिया गया होगा, बट अभी भी आप शटर को देखिए वो आगे जाने की कोशिश करेंगे। उसके पास बैरल था, एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक नहीं कर पाएंगे, शटर यहाँ पे नॉक किए जाएंगे। बट दूसरे तरफ सोहेल की बात के जाने की कोशिश, वेक्टर उनके हाथ में है, लेवल 2 का हेलमेट उनके पास रहेगा, विजबून के पास है, बट सामने माफिया मौजूद रहेंगे। और देखते ही देखते आईएसओ की स्क्वाड एक बार फिर से उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं, 14वें स्थान पे 0 फिनिशेस के साथ बाहर। बट हर्ष की अगर बात करें यहाँ पे मौजूद रहेंगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। शानू यहाँ पे मौजूद है, अपनी जो पोजीशन थी उन्होंने रिवील कर दी, बट हर्ष को डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, गबरू उनको यहाँ पे कवर फायर देना पड़ेगा। बट इसी बीच मुझे लगता है टीम केरला की जो स्क्वाड है मौके पर चौका मार सकते हैं और बहुत बढ़िया फिनिशेस निकाल सकते हैं। नेवेन वो चीज करते हुए आपको दिखाई देंगे। गबरू को यहाँ पे डाउन किया गया, एक और जो प्लेयर था रश गॉड उनको डाउन किया गया। टीम केरला का ये वाला मैच चिकन डिनर निकाल के देंगे, शानू वहां पे मौजूद रहेंगे, बट आप देखें उनकी भी पोजीशन टीम केरला के नेवेन को पता है, अगर इस मैच में चिकन लेके गए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, टीम जंगली का लास्ट प्लेयर सरवाइव करता हो वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। नेवेन मौके पे चौका मारने को पूरी तरीके से तैयार, लास्ट प्लेयर वहां पे सरवाइव करेगा, डैमेज बहुत ज्यादा, गन यहां पे चेंज करा गया विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब, बट अभी भी बहुत ज्यादा दूर। 1v1 नेविन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज, क्या हर्ष वहां पे गबरू को रिवाइवल दे पाएंगे? यस वो रिवाइवल पे जा रहे नहीं, अभी फ्लैग ले वो बैंडेज लगा रहे, बट उन्होंने अपने हेल्थ किट को लगाया दोनों तरफ से। फिर से एक बार 1v1 केरला ने जहां पे कमाल करके दिखाया, बट फाइनली यहाँ पे उनके शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, लेके जाएंगे विनर चिकन डिनर।
और प्रबल दावेदार टीम के ऊपर प्लेस देते हुए नजर आते हुए जिसका नाम है टीम केरला। लेकिन अभी के लिए टीम केरला रुकने वाले नहीं है, जिस तरीके का रन उनका चल रहा है एक नॉक वहां पर निकालेंगे जरूर से। चारों प्लेयर सर्वाइव करते हुए टीम जंगली वो उनके काफी करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्पेन के लिए एक 1v1 हमें देखने को मिल जाएगा जहां पर M249 रता करते हुए नजर आएंगे वो, बट जो नॉक है वो आएगा नहीं, बट पीछे से विंटर मौजूद और इसी के साथ टीम जंगली अपना एक खिलाड़ी खोते हुए नजर आ सकते हैं। विंटर ने एक बहुत बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया है और इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं टीम जंगली। ये नेड अगर चला गया तो मुश्किल, तीन बड़ी बड़ी टीमें भिड़ रही है, बट अभी फिलहाल हम देख सकते हैं एक स्पेन इन पे नेड के डैमेज आ रहा है। एक मॉली उन्होंने डाला जंगली को रोक रहे कि हम तो नहीं आने देंगे तुम्हें क्योंकि ये दोनों टीमों ने अब तक कमाल किया हुआ। एक अच्छा नेड विंटर का, गबरू डाउन एंड आई थिंक हर्ष इज द लास्ट प्लेयर राइट नाउ। बची कुछ ही कसर यहाँ पे वो कर रहे हैं, बट सही टाइम पे वो बगी लेके भागना चाहते तो थे, बट कब वो आएंगे स्प्रे देंगे। एंड मुझे लगता है हर्ष इसी के साथ वो भी डाउन है, एक और प्लेयर अभी भी जंगली का बचा हुआ है। बिल्कुल, वो यहाँ से व्हीकल लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, नाम उनका रहने वाला फीनिक्स रेड की कि वो कितनी देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। फिलहाल टीम केरला पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए वो जो प्रबल दावेदार थे आगे जाने के लिए पिछले मैच के चैंपियंस, उनको यहाँ पर पूरी तरीके से नकारते हुए और दिखाते हुए कि टीम केरला उनमें बहुत दम है। फिलहाल बहुत मुश्किल रहने वाला टीम नेक्सस के लिए, क्योंकि वो जो नीचे जो रिज का एरिया वो उनके पास मौजूद है। ग्रेनेड वहां पर जाएंगे और टाइटन अपना वो टाइटैनिक वाला पोज जरूर से देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बेहतरीन ग्रेनेड हमें उनकी साइड से देखने को मिला। वन नेशन ईस्पोर्ट्स टॉप 3 में आ चुकी है टीम बीलैक, बहुत खुश होंगे इस पर्टिकुलर फाइट से क्योंकि उनके पास अब फिनिशेस भी जाएंगे और साथ ही साथ जो मैच है वो भी उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। नाउ इट्स अ 4v1 जहां पर देखते हैं कि वन नेशन के टाइटन क्या और आगे तक जा पाएंगे। नेक्सस इनकॉग्निटो के ज्यूस की बात करें वो यहां पर सर्वाइव करते हुए, लेकिन शायद वो पहले फिनिश अप हो जाए। जी हाँ, और वो एक खिलाड़ी अपनी टीम को टॉप 2 में लेके जाएगा। वन नेशन के टाइटन फिनिश ऑफ तो होंगे, बीलैक ऑफिशियल लेके जाएंगे चिकन डिनर। अब ये जो सेंट्रल पोजीशनिंग है ना, यहाँ पर हमें बहुत सारी फाइट देखने को मिलेगी, बिकॉज जो सोस्तों का आइलैंड है वो खाली। इसी के साथ अगर हम बात करें कि वन लास्ट चांस उनके पर पुश आएगा जरूर से, नेक्स्ट वो नॉक निकालेंगे, लेकिन ट्रेड में उनका भी नॉक हमें देखने को मिल जाएगा। बैलिस्टिक्स की बात करें अभी तक एक बहुत बढ़िया रन, लेकिन अब ये फाइट कन्वर्ट हो चुकी है 3v3 में, स्प्रे दिया जाएगा। वो जो ग्रेनेड करने की कोशिश थी बहुत ज्यादा ओपन में आए, रीपर डाउन गॉड, नाउ ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। वेल, ही नीड्स टू शो सम गॉडली गेम प्ले और एल्स टीम वन लास्ट चांस का, वो वन लास्ट चांस जो है वो भी यहां से उनके हाथों से चिंता हुआ नजर आएगा। जो रिवाइवल उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है एंड टीम बैलिस्टिक्स की बात करें वो वीकर लेकर के क्लोज इन करते हुए मोस्ट प्रोबब्ली बड़े आसानी से खत्म कर देंगे वन लास्ट चांस को। बात करी जाए बग्गी लेके आगे गए प्लेयर सूर्य, आपको दिखाई देंगे उनके पास है, एक प्लेयर नॉक पड़ा हुआ था, फिनिश किया जाएगा, बट वो जो प्लेयर को रिवाइव कर रहे थे उसको भी वो रिवाइव नहीं कर पाए। हो सकता था कि एक के बदले दो प्लेयर को वहां पे खड़े कर सकते थे, बट फिलहाल के लिए अकेले बचेंगे। इसी के साथ डेडशॉट का एक बढ़िया ग्रेनेड, गॉड ग्रेनेड को करते रहेंगे, उससे पहले दूसरा ग्रेनेड आया, वन लास्ट चांस का ये चांस खत्म। इसी के साथ उनका सफर भी मोस्ट प्रोबब्ली यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बट बात करी जाए बैलिस्टिक्स की, चार फिनिशेस, वहीं पे डेडशॉट ज्यादा खुश क्योंकि निकाले हैं 3।